प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। वास्तु रचना के अनुसार वास्तुकारों का ऐसा मत है, और एक नहीं अनेका अनेक वास्तुकारों का ऐसा मत है कि जब अनेक प्रकार के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के कहीं भवन का सुख प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो पाता है। और एक बात और आपको बताऊं, भूमि का चयन भी हमको इस तरह से करना चाहिए कि जिस भूमि पर रहने से हमको लाभ की प्राप्ति हो। बहुत से व्यक्ति जल्दबाजी में मकान तो बनवा लेते हैं, परंतु मकान बनवाने के बाद में वो पछताते हैं कि जितना सुख उनको किराए के मकान में मिल रहा था या जितना सुख उनको पहले अपने मकान में मिल रहा था, यहाँ पर आकर के तो वे सारे के सारे सुख ही बेकार हो गए, फीके हो गए, सब बेकार हो गया। तो उसका कारण क्या होता है? जी हाँ, हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपका मकान कहीं अंडाकार अर्थात गोल आकार की भूमि पर बना हुआ है तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में हानियां ही हानियां। ऐसे स्थान पर, ऐसी भूमि पर मकान बनवाने के बाद में वहां पर रहना, जो व्यक्ति रहेंगे उनके जीवन में कभी भी प्रगति के मार्ग अग्रसर नहीं होंगे, रोगी हो जाएंगे, उनको अनेक प्रकार से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक व्याधियां सताने लगेंगी, उनके जीवन में सदैव क्लेश ही क्लेश आता रहेगा, परिवार में प्रसन्नता नहीं रहेगी, क्योंकि यह भूमि का दोष है। भूमि वह अंडाकार है, वह गोल भूमि है, तो ऐसी भूमि का त्याग कर देना चाहिए। इस भूमि पर केवल देव स्थान अर्थात यदि आप मंदिर बनवा देते हैं तो आपके जीवन में लाभ ही लाभ आएगा, और उस गोल स्थान पर, उस अंडाकार स्थान पर मंदिर बनवाने के बाद में परमात्मा आपकी अनेका अनेक तरह से रक्षा करेंगे, आपको लाभ ही लाभ प्रदान करेंगे। आपके जीवन में कभी भी विषम परिस्थितियां नहीं आएंगी यदि आप ऐसी भूमि का त्याग करके वहां पर मंदिर या वहां पर किसी भी एनजीओ को, कोई संस्था को, जो संस्था निशुल्क रूप से किसी का कार्य करती है, हित करती है, भला करती है, ऐसे को आप डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसी अंडाकार भूमि पर अपना मकान बना करके रहते हैं तो आपके जीवन में लाभ नहीं बल्कि हानियां ही हानियां होंगी। तो मित्रों, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमसे डायरेक्ट बात करें, हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, जिससे आपको नया वीडियो प्राप्त होता रहे, नई नई जानकारियां आपको मिलती रहें। तो मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माँ गंगे।